रही है तो एक जहन में जो एक थॉट गूंज ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत ख्वाहिश थी, बहुत अरमान थी कि एक दिन विशाल भरद्वाज जी के साथ में स्टेज शेयर करें, और आज वो अरमान जो है वो बिल्कुल फूट फूट के निकल रहे हैं सर। सर वेलकम, थैंक यू। योर फर्स्ट थॉट्स ऑन द एल्बम और इस पूरी एल्बम में बी रिसाइटिंग गालिब, और मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनके हर शेर को अगर आप अलग अलग अंदाजों में पढ़ें तो उनके मतलब भी बदलते हैं, अलग मतलब निकल के आता है। सो योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक पढ़ने से तो मतलब नहीं निकलता अलग, okay. वो समझने में, क्योंकि उनके जब भी आप शेर पढ़ें उसके हर बार आपको उसमें कुछ एक नया एक पहलू दिखाई देता है। जी जी जी। और ये एल्बम एक्चुअली सुदीप और मैं, आशीष, मनोज, हम सब लोग जो बहुत पुराने से दोस्त हैं, और हम लोग कॉलेज टाइम में, संजय भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ तबला बजाते थे, तो हम लोग कॉलेज के साथ में गा बजा रहे हैं। अच्छा। और सुदीप का जो टैलेंट जो कॉलेज में जो था, सुदीप की जो हार्मनी का जो सेंस था, वो सब हम लोग उसके कायल थे, उसके कॉम्पोजिशंस के कायल थे। तो ये करीब 30 साल पुराना हमारा रिश्ता है, और 30 साल में मैंने सुदीप की ग्रोथ होते हुए देखी है। सुदीप ने जिस तरीके से अपना मकाम बनाया है यहाँ पे और गज़ल में, वो एकदम बहुत ही बड़ी बात है, और पहली बार हम लोग ऐसे प्रोफेशनली साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, वाह। और उम्मीद है कि सुदीप आगे भी मुझे चांस देगा। अभी अभी सिर्फ बुलवाया है, शायद गवाएगा भी। सुदीप भाई एक बार बताइए, जब कॉलेज में यार बैठते हैं, किसी ने प्रोफेशनली कुछ अचीव नहीं किया होता, लेकिन बहुत से अरमान होते हैं कि हम ये करेंगे ऐसा। कॉलेज के दिनों में बड़े वायदे भी होते हैं, देख मेरी जान अगर एक दिन मैं बन गया डायरेक्टर तो एक्टिंग तो तेरी पक्की है टाइप। तो उस दिन के कुछ माहौल के दोस्त बैठे हुए हैं, ऐसा कोई वादा तब का किया हुआ याद आ रहा है? देखिए होता ये था कि विशाल मेरठ में रहते थे, तो उनका हॉस्टल में कमरा था। ओहो। तो हमारा काम होता था कि सीधा बस से उतरते थे और इसके कमरे में जाते थे, क्योंकि इसके कमरे में हारमोनियम होता था। क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो मतलब क्लासेस तो कभी अटेंड की ही नहीं, इसके साथ बैठ के। उस वक्त बशीर बदर साहब का जमाना था, बशीर बदर साहब को पढ़ते थे, गाते थे, कंपोज करते थे, और बहुत 2-3 साल बाद भाई साहब बॉम्बे चले गए और उनका काम बहुत अच्छा शुरू हो गया। हमारे एक दोस्त हैं आलोक माथुर, उनके घर में एक दिन पार्टी हो रही थी, और उस वक्त मेरा आंचल ढलका जा रहा है। सो ये डिलिबरेटली नहीं है। सो मुझे विशाल ने, विशाल को शायद याद हो नहीं याद हो, उस तक मुझे यही 25-30 साल पहले की बात है, कि आके सुदीप हम लोग एक दिन एक काम जरूर करेंगे साथ में। अच्छा। तो मुझे भी याद नहीं था, इसे डेफिनेटली याद नहीं होगा, और एक्चुअली 30 साल बाद आज हम लोग एक काम साथ में कर रहे हैं। वाह क्या बात है, दैट्स अ गुड वन। और वो भी मिर्जा गालिब। वाह और क्या चाहिए। वैसे कॉलेज में जिसके पास हॉस्टल में कमरा होता है सर, उसकी वक्त अरे बाप दोस्तों में बड़ी अलग होती है। बहुत जबरदस्त। अमृता मैं आप पूछना चाहूंगा कि फीमेल सिंगर, जब आप गालिब की शायरी को, वो इमोशंस को अपनी आवाज में कहती हैं, तो आपके जहन में क्या चैलेंजेस चल रहे होते हैं व्हेन यू आर सिंगिंग? क्या बताऊं, पोएट्री मेल फीमेल दोनों के लिए होती है पोएट्री, लेकिन सेम पोएट्री जब कोई मेल गाता है तो उसका अलग रंग, जब उसी पोएट्री को कोई फीमेल गाती है जी, तो उसके अलग रंग आप सुन सकते हो इसी एल्बम में। मैं और सुदीप दास सेम कपलेट उसमें गाए हैं, ओके, तो अलग अलग रंग सुनने को मिलेंगे आपको। सुपर, ठीक है। तो आई थिंक हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, और जिस रंग की तलाश में हम सबके सब यहाँ पे आए हैं सुदीप जी, उसको सबके सामने लेकर आया जाए। और साथ ही साथ आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट There's so many eminent personalities and your close friends to come up on the stage with us. Ashish ji, Manoj ji, Pankaj Udhas ji, Mitali ji has joined us. Please, Mitali ji. Gajraj ji, please, sir.
ओके तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही खूबसूरत महफिल, कुछ कॉलेज के यार एक साथ वापस, एंड वी हैव पंकज जी आल्सो हियर. पंकज जी, योर फर्स्ट थॉट्स ऑन गालिबन प्लीज. It's indeed a pleasure to be here this afternoon. Vishal ji ne aur Sudeep ne aur sab ne Mirza Ghalib ke bare mein jo kehna tha sab kuch keh diya. Aur Mirza Ghalib ke bare mein kya kahein? Kehne ke liye kuch nahi hai, kyunki main hamesha yahi misal deta hoon ke jab ped se phal gira और आइजैक न्यूटन ने देखा और उसने सोचा कि वो फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया. एंड ही एस्टैब्लिश्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. मिर्ज़ा गालिब वही थे. ही वाज अ जीनियस. वही शायर था कि जिसने शायरी की नींव डाली, जिसने पूरी दुनिया को ये हुनर क्या है उसके बारे में एक मिसाल कायम की. और It goes without any, to say without any doubts, कि मिर्ज़ा गालिब कभी पुराने नहीं होते, हमेशा ताज़ा रहते हैं. जब भी उनको गाओ, जब भी उनको पढ़ो, जब भी उनका कलाम सुनो, ऐसा लगता है कि कल ही लिखी गई बात है. तो मेरे ख़्याल से ही, I would sum up by saying that he was certainly a genius, और उस genius को इससे बेहतर ट्रिब्यूट हो नहीं सकती कि सुदीप ने इतना खूबसूरत काम किया है. सुदीप हैज़ वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस बिकॉज आई बीन अ विटनेस टू इट. दो साल उसने बड़ी मेहनत की है साथ में विशाल जी और अमृता. सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और यही दुआएं कि आने वाले सालों में मौसीकी की दुनिया में ये एल्बम मिसाल कायम करे, यही मेरी दुआएँ. Thank you so much, sir. Thodi der mein, we'll have questions from the media also. We have a very special live performance also, which is waiting for us. Album ka bhi ek gana, main thodi der mein aapko dikhaunga. But, jaise ki hum college ke dino ki baate kar rahe the, aur campus ki baate ho rahi thi. Another man from the same campus, standing here with us, Mr. Manoj Bajpai. Sir, mic is all yours. Ji, main us campus mein nahi tha, main bahar wala tha. Main Ramjus ne batai, aur wahan pe mehman कलाकार के तौर पे बुलाया जाता था हमें. वहीं पे दोस्ती हुई थी सुदीप से और विशाल से और आशीष से, जो आज तक कायम है. सुदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत दिन से मैं भी जानता हूँ कि बहुत दिन से इस एल्बम पे काम कर रहे हैं. और इस एल्बम पे काम करते करते एक बार आशीष के घर पे मिलना हुआ था, पार्टी हम लोग की चल रही थी. तो सुदीप और पंकज जी ने दो वाइन के बाद मुझे झेला हुआ है कि मैं इन लोगों के हारमोनियम ले लेता था. तो इस बेसुरे मनोज बाजपेयी की तरफ से बहुत ही सुरीले सुदीप बनर्जी को बहुत सारी शुभकामनाएं. आशा करते हैं कि ये एल्बम जो है, जैसा कि पंकज जी ने कहा, एक नया आयाम आपके लिए साबित हो, सुनने वालों के लिए. गालिब के गज़लों को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुतों ने पढ़ा है, सुना है, लेकिन आशा करते हैं कि जब आपके आपकी बनाई हुई धुन पे उसको सुनेंगे तो कुछ और निखार के सामने आएगा. बहुत सारी बधाइयाँ. थैंक यू मनोज भाई.